आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है जब ऐसे बहुउद्देश्य लक्ष्य निर्धारित करते हुए जनजाति मंत्रालय इस कार्यक्रम विभिन्न देश के प्रमुख संस्थाओं के साथ प्रारंभ कर रहा है। इस अवसर पर हमारे ट्राइबल अफेयर्स के सेक्रेटरी विभु नायर जी अभी जुड़े हुए थे, इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी यहाँ पर उपस्थित है, सैटकॉम के डायरेक्टर रायप्पा जी, एम्स दिल्ली के डायरेक्टर प्रोफेसर श्रीनिवास और डॉक्टर मनोरंजन महापात्रा जी, डॉक्टर ऋषि धवन जी, आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर प्रोफेसर रंगन बैनर्जी जी, डबल जी लगता है प्रोफेसर अच्युता राव जी, आईआईसी के डायरेक्टर प्रोफेसर जी गंगाराजन जी, प्रोफेसर श्रीनिवास राघवन जी, डॉक्टर सविता जी, डॉक्टर सुरेश और आईआईएम कलकत्ता के प्रोफेसर साहिबाल चट्टोपाध्याय जी, प्रोफेसर आदिति भुटोरिया जी और डॉक्टर शुभ्रांशु सान्याल सहित इस सभागार में उपस्थित हमारे एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी और अन्य अन्य सभी पदाधिकारीगण और मीडिया के मित्रों, आज जिस तरीके से ट्राइबल अफेयर्स ने विभिन्न संस्थाओं के साथ एक नया अभिनव यात्रा प्रारंभ की है, इसके लिए मैं सबसे पहले संस्थाओं के सभी वरिष्ठ जनों को और हमारे मंत्रालय के पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसरो के साथ सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम है, तो वहीं एम्स के माध्यम से बिरसा मुंडा चेयर और उसके लक्ष्य यानी चर्चा के साथ चिकित्सा का व्यापक आयाम, इसी तरीके से आईआईएससी के और आईआईटी दिल्ली के साथ अच्छी सुविधा, शिक्षा, शोध और आने वाले दिनों के चुनौतियों के संदर्भ में उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रम, तो ये जो कार्यक्रम है लक्ष्य के साथ हो रहा है, उद्देश्य परक है और इसका अच्छा परिणाम आएगा, हमें यह पूरी आशा है। मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि में इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि अभी हमने एक पुस्तक का, दो तीन पुस्तक का, एक कॉफी टेबल बुक के नाते पीएम जनमन और एक डीए पीएसटी, तो जो मंत्रालय का कार्यक्रम है उसका लोकार्पण किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम जनमन को एक बहुत ही आत्मीय ढंग से शुभारंभ किया, वैसे स्थान से जहां देश के ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में ब्रिटिश काल में अपनी सार्वभौमिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए
जिन चीज़ों का आज हम चर्चा कर रहे हैं, उस समय शब्दों का अभाव था, उतना साइंटिफिक वर्ड नहीं थे, लेकिन भाव बहुत मजबूत था। आज उनके बारे में इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र करूँगा क्योंकि हमें कुछ पृष्ठभूमि भी जानना बहुत ज़रूरी है, आगे बढ़ने से पहले कहाँ है वहाँ की स्थिति और जहाँ से प्रारंभ किया है वहाँ की स्थिति, दोनों के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पीएम जनमन की योजना वहाँ से प्रारंभ करने का उद्देश्य मन क्यों बनाया, वहीं से उन्होंने एक और यात्रा प्रारंभ की जिस लक्ष्य में हम सभी सम्मिलित है, पूरा देशवासी सम्मिलित है कि विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत यानी 2047 का भारत। अब यह 2047 का भारत सामूहिकता में या एकांगी में कैसा भारत, और उसका संदेश देने के लिए एक कि विकसित भारत संकल्प यात्रा यहाँ से प्रारंभ हो जहाँ से भगवान बिरसा मुंडा ने जल, जंगल, जमीन, जीव जंतु और जनता की बात की और कहा कि हमें किस तरीके से समन्वय के साथ रहना चाहिए। और इसलिए एक तरफ आधुनिक और उसकी संभावना और दूसरे तरफ पीएम जनमन के माध्यम से जो सबसे पीछे बैठे हुए व्यक्ति, परिवार, समाज, आज का जो ये कार्यक्रम है उसके साथ सीधा सीधा इसलिए जुड़ता है क्योंकि ये सारे कार्यक्रम हम उस पीएम जनमन के लक्ष्य के साथ जोड़ना चाहते हैं, हमारी आधुनिकता उसके साथ जुड़ा हो, इसलिए विकसित भारत का संकल्प भी और पीएम जनमन भी। पीएम जनमन यानी जो उसमें भाव दिए गए हैं, जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, इसका फुल फॉर्म यही है। और इसलिए मैं इस समय में आप भी इस बात को जरूर चर्चा करेंगे कि यह इन वर्गों के लिए ये स्पेशल कार्यक्रम क्यों पीछे है, इसलिए जंगलों में है इसलिए, या इसलिए कि इनके कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। देखिए, मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि जो आगे है वो आगे ही है, जो पीछे है वो पीछे ही है। और यह संकट आजादी के बाद भी हम सुधार नहीं पाए, आगे वैसे लोग उस समय के शासनों में व्यवस्था के साथ जुड़ करके किए, चाहे वो राजा महाराजा के कार्यकाल हो या मुगलों के शासन काल हो या अंग्रेजों के शासन काल हो, वो आगे के आगे ही रहे और उसके जुड़ने का जो जैसा वैसा और जब जैसा वैसा, यानी उनमें इतनी शक्ति इतनी क्षमता जरूर थी कि वो अपने समय के साथ बदलाव करने में, चाहे वो चरित्र के दृष्टि से हो या गुणों के दृष्टि से हो या अपनी भविष्य के प्रति ध्यान में रखते हुए हो, या ये कहिए कि बहुत सारे हमें हमारे सिलेबस में हमारे कहानियों में इतिहास में पढ़ाए जाते हैं ना किसने कैसा किया, तो इसमें कई बार चर्चा करते हैं हम लोग, बोलते मीर जाफर है तो वो अपने स्वार्थ के दृष्टि से किया, उनमें क्षमता थी कि उसी तरीके से लाभ लिया जा सकता है, तो लाभ लेने वाले बहुत आगे आगे चलते रहे।
ये लाभ की चिंता इन्होंने कभी नहीं की, आज भी नहीं है। हमारी आवश्यकता, हमारी व्यवस्था इस बात के लिए है कि हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि वो भी पीछे ना रहे, ये हमारी आवश्यकता है। तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री में जब आज़ादी के बाद इस बात का अनुभव किया कि इक्वल राइट्स, जैसे वोट के मामले में हम कहते हैं कि भाई सबका वोट का अधिकार एक ही है, तो बाकी चीज़ों में भी इक्वल होना चाहिए। पर इक्वल क्यों नहीं है, यह सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्योंकि वैज्ञानिकता के दृष्टि से, प्रगति के दृष्टि से, सभ्यता के दृष्टि से, हम ऐसे जगहों में बैठ करके जरूर देखते हैं कि हम बहुत आगे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि कई बार, क्योंकि मैं इस बात को जरूर दोहराना चाहूँगा, क्योंकि राज्य में मुख्यमंत्री होने के नाते यह अनुभव है कि जितना समस्या, सबसे ज्यादा समस्या इस बात का होता है कि हमारी पोस्टिंग वहां कर दी जाए। कोई आदमी जंगल के विद्यालय में पढ़ाना नहीं चाहता है, क्यों? हमारी बच्चे की कठिनाई है, वो अपनी कठिनाई नहीं बताएगा, अपने बच्चे की कठिनाई। ऐसे लोग होते हैं जो यह कहते हैं कि हमारी तो माताजी की तबीयत खराब है, पिताजी की तबीयत खराब है, बच्चे की भी तबीयत खराब है। मैं एक बार मुख्यमंत्री था, मैंने कहा इनके पूरे फैमिली का एक बार जांच करा लीजिए। अब एम्स में उतनी कैपेसिटी नहीं है कि सबकी जांच कराइए कि कितनों की तबीयत खराब है, क्योंकि वहां जाने से ही तबीयत खराब होने लगती है। ये वास्तविकता है। क्या यही प्रगति का मानक है कि हम पलायनवादी अपने लग्जरी, अपना कंफर्ट को ही सिर्फ देखें, हम अपनी सुविधा को ही देखें, यही हमारी प्रगति का मानक है? ये संकट आज हमारे सामने एक विकट रूप धारण करते हुए हम इस देश को अनुभवों के साथ कैसे आगे बढ़ाएं? और इसलिए इस कार्य के योजना में जो आज एक तरीके से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या LOI है, ये हमें आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि PM जनमन हो और एक और बुक जो DAPST, जिसको हम लोग STC कहते हैं, ये उन दिनों में बना था जब डेवर कमीशन इस देश में ट्राइबल डेवलपमेंट के अप्रोच पर, कि ट्राइबल डेवलपमेंट और उन क्षेत्रों के विकास के लिए क्या विधि अपनाई जा सकती है। और ये आज हम अपने मंत्रालय के माध्यम से बजट उपबंध के अनुसार हम दे रहे हैं, लेकिन सब मंत्रालय जिससे जुड़ा है उसका अपना बजट है। हमारे ट्राइबल अफेयर्स में जो STC कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं, सभी मंत्रालयों का, हमारा मंत्रालय का कितना बजट है? लगभग 12,000 करोड़, लेकिन हमारे अकाउंट में 1,15,000 करोड़ है, जो हम ये कहते हैं कि ये सारा फंड ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए है। पर 12,000 करोड़ में से 1,03,000 करोड़ कहाँ है? ये 1,03,000 करोड़ के बारे में डिफरेंट मिनिस्ट्री में काम करते समय, डिफरेंट संस्थानों में इसका उपयोग किस तरीके से हो रहा है, हो रहा था और हम करने जा रहे हैं, ये सभी मिनिस्ट्री में, और सभी को यह फंड दिया जाता है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन या शोध के जितने भी इंस्टीट्यूट है, सबके लिए है। पर इसका उपयोग और इसका मूल्यांकन भी एक हमारे सामने बड़ा सवाल खड़ा करता है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि इस बात का ध्यान यदि हम नहीं रख पाए तो हम औपचारिकता के दलदल में ही अपने आप को सीमित रखेंगे। और अभी मैं ट्राइबल अफेयर्स और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, यहां पर भी मैंने पिछले 10 साल का डेटा मंगा कर देखा कि कैसे ये हो रहा है, तो उसको खर्च करने का खर्च कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उसके तरीके में भी अस्पष्टता नहीं है।
फिर मैंने सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स को कहा और मैंने कहा कि ये जो एसटीसी कंपोनेंट है सभी मिनिस्ट्री का, वो अच्छे ढंग से खर्च करे तो हमें इस तरह के चीज़ों को और बढ़ाने में सुविधा होगी। अब ये पीएम जनमन में सभी मंत्रालयों को उसी के एक छोटे फॉर्मेट में लिमिटेड पॉपुलेशन के अंदर प्रारंभ करे ये सुनिश्चित किया गया है, क्योंकि इसकी आबादी कम है प्रिमिटिव ट्राइब्स की, और मैं समझता हूँ कि हमारे लिए भी एम्स के कुछ लोग जरूर गए होंगे लेकिन बाकी लोग अभी तक नहीं गए होंगे, कि कभी कभी प्रिमिटिव ट्राइब्स के गांव में एक रात बिता के देखिए तो आपको स्वर्ग नजर आएगा उसमें। आप ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि उसके पास साधन नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है, वो तकनीकी दृष्टि से सक्षम नहीं है, लेकिन उसकी आत्मीयता और उसका जो सौंदर्य है प्रकृति का, वो आपको 5-स्टार होटल में तो कभी नहीं मिल सकता। वो खरीदी हुई संपदा संपत्ति से आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, प्राकृतिक संपदा है इसलिए वो वहां पर संतुष्ट है, वो इसलिए बाकी चीजों से नाराज नहीं है, इस बात से नाराज है जब उसको लोग कहते हैं कि हम आपके लिए कर रहे हैं। 75 साल से यही सुनते हैं कि आपके लिए हम कर रहे हैं, और 75 साल में उसकी स्थिति क्या हुई आज आकलन करके देख लीजिए। तो ये जो संकट है, ये संकट हमारे द्वारा कैसे समाधान हो, इसके लिए मैं समझता हूँ कि एक लक्ष्य के साथ हम काम करें। मुझे इस बात की खुशी है कि आज एम्स है, आईसी है, आईआईसी है और इसरो है, और जिस तरीके से हमने चर्चा किया कि हम क्यों इसको कर रहे हैं हमारे मिनिस्ट्री के साथ, तो हमने एक बहुउद्देश्य कार्य योजना इसमें भविष्य के लिए दिख रही है, और ख़ास करके जब मैंने कहा क्योंकि अभी 75,000 करोड़ का चीफ्स प्रमोशन के लिए हमने एक प्लान बनाया है भारत सरकार का, टाटा के साथ में ताइवान की कंपनी के साथ काफ़ी आगे बढ़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले, 2 साल पहले जब एप्पल मोबाइल इंडिया में आ रहा था, तो हमारे हमारे खास करके हमारे कोल्हान रीजन झारखंड के, वहाँ से 2000 महिलाओं को हमने, लड़कियों को भेजा, और उनको इस शर्त के साथ भेजा कि उनका लर्निंग अर्निंग प्रोग्राम होना चाहिए, ओनली कि हम उसको काम करा रहे हैं या काम सिखा रहे हैं या अपने स्थान पर है, लेकिन उसके साथ आगे का पढ़ाई वो कैसे जारी रख सके इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो प्रैक्टिकल यहाँ पूरा कर रहा है, थ्योरेटिकल वो और अच्छा कैसे कर सके वो बेहतर कर सकता है, क्योंकि वो 8 आवर्स उसमें प्रैक्टिकल में लगा रहा है तो उसका ज़्यादा लाभ मिले। तो इसी तरीके से ये जो IISc है, मैं समझता हूँ कि चिप के क्षेत्र में बड़ी संभावना है, और मैंने मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस प्रपोजल पर हम लोग काम कर पा रहे हैं और इसमें ट्राइबल को ध्यान में रख करके टारगेट ओरिएंटेड प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका बहुत अच्छा परिणाम निकलेगा। IIT दिल्ली के साथ पहले ट्राइफेड का बहुत सारा इनोवेशन का काम, कि जितने भी फूड सप्लीमेंट्स है उसके क्वालिटी, उसके नए नए क्या हो, किस तरीके से महुआ में भी काफ़ी काम IIT दिल्ली के साथ में हुआ है, और एक नेशनल प्रोग्राम एम्स के नेशनल प्रोग्राम हेल्थ मिनिस्ट्री और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का स्किल्स एनीमिया इराडिकेशन प्रोग्राम चल रहा है, अब उसको और इन्हांस। मैंने एक ही चीज़ बताया था कि हमारे जितने एम्स हैं सबको मिला करके हम उसको क्या कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है डेटा मैनेजमेंट के साथ प्री और पोस्ट दोनों प्रोग्राम हमारा सॉलिड होना चाहिए, यह ध्यान में रख करके हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाएं। इसरो के साथ जो सुदूरवर्ती क्षेत्र में सेटेलाइट के माध्यम से, मेरे गाड़ी में सैटेलाइट फ़ोन होता था पहले, मेरे गाड़ी में जब मैं CM था तो एक फ़ोन होता था, पर कभी हमने यूज़ नहीं किया, उसकी नौबत नहीं आई, इमरजेंसी में लोग बताते थे, तो उसके बाद तो फिर मोबाइल आ गए,
क्योंकि हर सीएम के कार्केट में सैटेलाइट सिस्टम काम करता था, तो यह अच्छी बात है। इसलिए मैंने कहा कि मोबाइल पर ज़्यादा ध्यान दे, कि क्योंकि एक जगह स्टैटिक होने से एक दो गांव को तो लाभ मिलेगा, पर सुदूरवर्ती क्षेत्र में बहुत और एक प्रॉब्लम अभी तो काफ़ी सॉल्व हो गया है प्रॉब्लम। अभी टावर वगैरह काफ़ी लग रहे हैं, लेकिन 3-4 साल पीछे अगर देखें तो टावर आज लगाई कल उड़ा देता, तो ये स्थिति थी। अभी काफ़ी सुधार हो गया, लेकिन ये जो जिन गांव का अभी तो हमें लगता है कि ये एक पायलट हाँ सर, कुछ ही गांव के चार लिए है, स्टेट्स होगा। 4 स्टेट में हो रहा है, तो इसका लाभ मिले। इसके साथ साथ हम टेली कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री को भी काफ़ी जोर लगाए हुए, उसके लिए हमने एक अलग प्रोजेक्ट वो ऑनलाइन है, चल रहा है, तो उससे भी काफ़ी लाभ मिलेगा। लेकिन यह इमीडिएट होगा, कितने दिन में इंस्टॉल होता है ये? वी आर प्लानिंग अबाउट 68 मंथ्स। तो इसका भी लाभ अच्छा मिले, यही आशा है। इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि हमारा लक्ष्य जो है 2047 के लिए, जो सबसे पीछे बैठे हैं उसके लिए हम काम कर रहे हैं, और मुझे खुशी होगी जब इसका परिणाम अच्छे ढंग से आएगा। मैं ज़रूर आज के इस कार्यक्रम से ये उम्मीद रखता हूँ, आप सब लोग आए, जुड़े और काम को आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। और मैं मानता हूँ कि अभी हमारा इसके पहले एक छोटा सा कार्यक्रम और हुआ माननीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ में, और मैं मानता हूँ कि वो कार्यक्रम इसके साथ कन्वर्ज करेगा कुछ कुछ चीज़ों में। मैं एक बार बैठूँगा तो उसमें काफ़ी चीज़ें जुड़ जाएगी। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।